जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो, इसके साथ एहसान करके इसे बदला दे दो, क्योंकि एहसान बद जबानों की जबान बंद करता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, इन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। लोगों की मोहब्बत पानी के बुलबुले जैसी होती है, ज़्यादा देर तक नहीं रहती, मगर अल्लाह ताला की मोहब्बत आबे हयात है जो कभी ख़त्म नहीं होती। रिश्ते नीचे पड़े रहने से कभी नहीं बनते। रिश्ते बनाने के लिए कभी भीख मत मांगें, बहादुर बने और थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें और उसको अपनाएं जो वाकई आपके साथ रहना चाहता है, और उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दें जो साथ रहने और साथ देने का ड्रामा कर रहा है। ऐसी अज़ियतें कभी नहीं भुलाई जा सकती जो मोहब्बत के नाम पर दी गई हों। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कद्र ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। दुख में कभी भी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। किसी पर भरोसा करना है तो मुकम्मल भरोसा करो, या तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिलेगा, नहीं तो एक सबक। किसी के आंसू को ज़मीन पर गिरने से पहले अपने दामन में जज़ब कर लो, यही इंसानियत की मिराज है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। किसी फैसले के वक़्त बात अगर कुरान तक पहुँच जाए तो फैसला कुरान के ऊपर हाथ रखकर नहीं बल्कि कुरान के अंदर से पढ़कर करें। जिस शख्स से मोहब्बत होती है ना, वो मिले या ना मिले, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर चाहे उससे बेहतर या बेहतरीन भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें उस खोई हुई मोहब्बत की याद तड़पाती है और दिल कहता है कि अगर वो होता तो कहानी कुछ और होती।